अगर आप एक फोन लेते हैं मुझसे कोई भी किसी भी रेंज में, तो उसके साथ मैं आपको एक स्मार्ट वॉच दूंगा। इसकी कंडीशन देख सकते हैं आप अभी, ये इसके चार्जर की कंडीशन और केबल की कंडीशन। जिनकी फोल्डर की कीमत ही मात्र 3,2500 रुपये कॉस्ट आता है अगर इनका फोल्डर डलवा, तो इसी कीमत में मैं आपको फोन दे रहा हूँ ओरिजिनल। फोल्डर की कीमत में पूरा फोन मिल रहा है ना? पूरा फोन दे रहा हूँ मैं आपको। जो इसका फोल्डर रहता है उसी क्वालिटी की, ये वही क्वालिटी आपको देंगे बिल्कुल काफी कम प्राइस में, आप काफी रीजनेबल प्राइस में 800 जैसा कि भैया ने आपको बताया, और इस पे ऊपर से आपको वारंटी देखने को मिल जाएगी 6 मंथ्स की। मेरा नाम निर्मल और आप देख रहे हैं निर्मल्स बेस्ट टेक। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ सेकेंड हैंड फोन्स के बारे में। आपके मेरे पास कुछ कमेंट्स भी आई थी कि हमें सेकेंड हैंड फोन्स के बारे में वीडियो चाहिए, तो वही मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आपके बजट में कौन कौन से सेकेंड हैंड फोन्स आ सकते हैं और किस किस ब्रांड के साथ आ सकते हैं, तो वो मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा वीडियो पर, और आपको एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि काफ़ी अच्छे फोन काफ़ी अच्छी कंडीशन के साथ और काफ़ी अच्छे प्राइस के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उससे पहले मैं आपको सबसे पहले शॉप दिखा देता हूँ, और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ऐसी वीडियोस आपको देखने को मिलती रहती है। तो मैं आपको सबसे पहले शॉप दिखा देता हूँ, शॉप कौन सी होने वाली है। सो गाइस आप शॉप देख सकते हैं, ये रही शॉप प्रिंस मोबाइल स्पेयर पार्ट्स। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ आज वीडियो जो सेकेंड फोन्स की हमारी होने वाली इसी शॉप पर डेडिकेटेड होने वाली है, और ये आपको देखने को मिल जाती है बैरसिया में जहाँ पे मैं जो मेरा टाउन है यहाँ पे, और स्क्वायर पे आपको मेन विदिशा रोड पे देखने को मिल जाएगी, और बाकी आपको एड्रेस डिटेल में अंदर जाके बताऊँगा। सबसे पहले आप शॉप का नाम देख सकते हैं, ये रही शॉप का नाम, और आपको कुछ बाहर से ऐसा लुक देखने को मिल जाएगा। तो अंदर चलते हैं और देख लेते हैं फिर जो जो फोन्स होने वाले हैं सारे आपको कंडीशन और प्राइस में आपको बताने वाला हूँ। सो गाइस मैं शॉप के अंदर आ चुका हूँ, और ये कुछ आपको ओवरऑल शॉप का लुक देखने को मिल जाएगा इस तरीके से। और सबसे पहले भैया से बात कर लेते हैं जो शॉप के ओनर हैं। तो भैया सबसे पहले व्यूअर्स को अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रिंस बत्रा है, और बैरसिया में मेरी शॉप है। और भैया एक बार शॉप का नाम भी बता दीजिए। प्रिंस स्पेयर पार्ट्स के नाम से शॉप है, मेरे नाम से शॉप है विदिशा रोड पर। और भैया अपने सर्विसेज क्या क्या रहेंगी, जैसे कि क्या क्या मतलब चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, क्या क्या फोन्स में आप डील करते हैं वो आप बता दीजिए। अपने यहाँ पे पुराने फ़ोन मिल जाते हैं, न्यू फ़ोन मिल जाते हैं, और फ़ोन रिपेयर भी होते हैं और कम कॉस्ट में रिपेयर हो जाते हैं। मतलब मोबाइल से की मोबाइल से रिलेटेड जो भी मेन सारे अपन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर पूरे काम हो जाते हैं यहाँ पर। ओके तो गाइस आप देख सकते हैं आपको जो हार्डवेयर लेवल पे जो भी फ़ोन में काम होते हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी। और भैया ने जैसे बोला कि नए फोन्स और पुराने फोन्स आपको दोनों ही अवेलेबल हो जाते हैं, तो आज हमारी जो वीडियो होने वाली है वो ओल्ड फ़ोन के ऊपर यूज फ़ोन के ऊपर होने वाली है, तो वो आपको मैं आपको एक एक करके सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो भैया सबसे पहला फ़ोन कौन सा होने वाला है सबसे कम रेंज में? सबसे कम रेंज में अपने पास ये मिल जाएगा मोटो G40 फ्यूज़न। ओके ये लगभग है 4500 रुपये का फ़ोन। 4300 है ना? हाँ 4500। ओके इसमें डिस्प्ले चेंज है इसका इसलिए इतना सस्ता है। 6GB इसकी रैम है, 128 स्टोरेज है इसका। ओके मतलब इसकी डिस्प्ले रिपेयर्ड है इसलिए थोड़ा सा प्राइस इसका डाउन है ना? डाउन है, और इसका डब्बा नहीं है, चार्जर मिल जाएगा। ओके तो गाइस जो भी इस फोन के रिलेटेड जो भी था भैया ने आपको बता दिया है। एक ये नोट 6 प्रो। ओके इसकी बैटरी चेंज है, जो भी चीज़ होती है वो क्लियर कह के देते हैं कि भाई इसकी बैटरी चेंज है इसलिए इसकी कॉस्ट भी कम है। ये 5500 रुपये का फ़ोन है। 5500 है ना? 6128 है ये। ओके तो गाइस काफ़ी अच्छा मतलब आपको प्राइस में मतलब इसका जो बैटरी है वो चेंज है, भैया ने आपको पहले ही मेंशन कर दिया है। जो भी आपके सामने ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि बाद में आपको पता चले, तो जो भी है और प्राइस भैया ने आपको बता ही दिया है। तो फोन तो काफ़ी अच्छे हैं और भैया ने आपको बता ही दिया है क्या कंडीशन होने वाली है। कुछ फ़ोन ऐसे रहते हैं जो डैमेज रहते हैं, लेकिन ये वर्किंग है पूरा। इसका डिस्प्ले डैमेज है, पीछे से बैक ग्लास चाहिए। इसकी कॉस्ट है केवल 2500 रुपये। ओनली 25। सारी चीज़ें वर्क कर रही होंगी? हाँ सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। कस्टमर चाहे यहाँ पे रिपेयर भी करवा सकता है, तो उसका कॉस्ट अलग है। ओके तो भाई इस कंडीशन में अगर आपको फ़ोन मिलेगा तो जो भैया ने इसका प्राइस होने वाला है एक्चुअल वो आपको बता दिया, अगर आप इसको रिपेयर करवाना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पे करवा सकते हैं। 1500 रुपये में यहीं रिपेयर हो जाएगा और कम में हो सकता है। तो भाई अगर आप यहाँ से रिपेयर भी करवाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छे इफेक्टिव प्राइस पर देखने को मिल जाएगा। तो ये तो थे स्टार्टिंग रेंज जहाँ से होने वाली है जिस कंडीशन फ़ोन होने वाली है, लेकिन अभी हम आगे बढ़ते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे कंडीशन वाले फ़ोन जो अभी तक खुले नहीं है वो आपको हम बताने वाले हैं।
तो भैया ऐसा फोन बता दीजिए जो बिल्कुल अभी बिल्कुल लाइक न्यू हो और काफी अच्छी वैल्यू उसका मतलब मिल रही हो कस्टमर को। ठीक है, जैसे कि ये नोट वन, ये फोन 15 से 20 दिन यूज करा हुआ है, माइक्रोमैक्स नोट वन, ओनली 15-20 दिन का है। 64 GB स्टोरेज है इसका। भाई आप कंडीशन देखो बिल्कुल, अभी इस पे रैपर जो लगा हुआ है वो भी नहीं निकला है और सिर्फ 15 से 20 दिन पुराना फोन है, वो बिल्कुल नया रखा हुआ है ना। और आप इसकी केबल वगैरह से भी अंदाजा लगा सकते हैं, बिल्कुल अनटच्ड है, मतलब काफी सही कंडीशन में। इसका प्राइस क्या होने वाला है? इसका प्राइस है 6500। 6500 ओनली। ओके, तो भाई 6500 में आपको माइक्रोमैक्स का जो इन नोट वन आता था वो आपको देखने को मिल रहा है, काफी अच्छी वैल्यू फॉर मनी आपको प्रोडक्ट देखने को मिल रहा है, तो आप इसकी तरफ बिल्कुल जा सकते हैं। एक ये OnePlus का है, OnePlus 5T। 5T है ना? हाँ, मॉडल पुराना है लेकिन इसकी कंडीशन अगर आप देखें ना, इसका कैमरा क्वालिटी देखिए आप। तो गाइस ये है OnePlus का 5T, आप देख सकते हैं कैमरा क्वालिटी काफ़ी सही आपको देखने को मिलती है इसमें। आपको 4K रिकॉर्डिंग है, 60 FPS में आपको देखने को मिल जाती है 1080p में, तो काफ़ी अच्छी कैमरा क्वालिटी और काफ़ी अच्छी कंडीशन में आपको यह फ़ोन अभी भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कंडीशन काफ़ी अच्छी रखी हुई है, काफ़ी पुराना फ़ोन है उस हिसाब से आप जज कर सकते हैं, काफ़ी सही आपको डील मिल रही है। इसका प्राइस क्या होने वाला है? ये 7000 रुपये का फोन। 7000 रुपीज़। और इसका स्टोरेज मतलब क्या रहेगा? 664 है। तो भाई डब्बा भी है, चार्जर भी है, केबल भी है, ओरिजिनल सारी चीज़ें मिल जाएगी ना। तो भाई ओरिजिनल आपको सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं और काफ़ी अच्छी कैमरा क्वालिटी, अगर आप कम प्राइस में काफ़ी अच्छा कैमरा चाहिए तो ये आपके लिए बेस्ट फोन रहेगा OnePlus का 5T। खुला ही नहीं है अभी तक, काफ़ी पुराना है लेकिन इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है। खुला ही नहीं मतलब बिल्कुल ओरिजिनल कंडीशन, ओरिजिनल कंडीशन में फ़ोन है। ये कह के देते हैं हम यहाँ से ताकि कस्टमर को 4-5 दिन बाद कोई दिक्कत ना आए फ़ोन में, तो बिल्कुल ट्रस्ट के हिसाब से देते हैं ताकि हमारा ट्रस्ट बना रहे, कस्टमर हमसे जुड़ा रहे। मतलब आप कस्टमर को बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो भी रहेगा आपके सामने ही रहेगा। तो कंडीशन आपको बिल्कुल पहले ही बता दी जाएगी कैसे आपको देखने को मिलने वाली है। तो नोट 8 प्रो का प्राइस क्या होने वाला है इसका? ये 7000 रुपये का। 7000 रुपीज़ है ना? 664 है ये। 664। तो भाई 7000 रुपीज़ में आपको नोट 8 प्रो देखने को मिल रहा है। आप कंडीशन देखो बिल्कुल एक भी स्क्रैच नहीं मिलेगा आपको, काफ़ी सही आपको कंडीशन देखने को मिलने वाली है। और इसके साथ मैं देख रहा हूँ यहाँ पर नोट सीरीज़ के और भी फ़ोन रखे हुए हैं, जैसे कि ये वाला रखा हुआ है। नोट सीरीज़ में मैं आपको एक पीस दिखाता हूँ मेरे पास है, ये देखिए, ये फ़ोन रखा हुआ फ़ोन है, मतलब यूज़ ही नहीं हुआ अभी तक फ़ोन ये। मतलब बहुत मतलब रेयर यूज़ करा होगा इसका। हाँ, बहुत कम से कम यूज़ हुआ है ये फ़ोन, बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में, जैसे कि नया लिया हो अपन ने। इसकी क्वालिटी देख लीजिए आप। तो गाइस ये भी आप देख सकते हैं, ये भी बिल्कुल फ्रेश पीस है, बिल्कुल जैसे कि भैया ने बोला बहुत ही रेयर यूज़ करा होगा जिसने भी किया है। बिल्कुल लेट कंडीशन आपको बिल्कुल लाइक न्यू कंडीशन आपको देखने को मिलने वाली, काफ़ी पुराना फ़ोन है उसके बाद भी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो ऑफिशियली यूज़ करते हैं तो उनके लिए आपके लिए काफ़ी सही होगा अगर आपको कम बजट में काफ़ी अच्छा फ़ोन चाहिए रेडमी की तरफ से। इसका प्राइस क्या होने वाला? 7000 रुपये का फ़ोन। 7000। हाँ, 464 है, इसकी पूरी गारंटी है, इसके साथ बिल्ड डब्बा चार्जर बॉक्स सब देंगे, पूरी ओरिजिनल कंडीशन में सारी चीज़ें ओरिजिनल मिलेंगी। हाँ, सारी चीज़ें ओरिजिनल मिलेंगी और गारंटी भी देंगे आपको। ऐसा नहीं, हम फोन देते हैं तो उसके साथ गारंटी भी देते हैं कस्टमर को, 10 से 15 दिन में अगर कोई दिक्कत लगे तो फोन वापस भी कर सकते हैं आप, कोई रीज़न बता के कि इसमें ये दिक्कत है। हाँ। फोन टूटा ना होना चाहिए, गिरा ना होना चाहिए, पानी में ना लगा होना चाहिए। तो गाइस आप बिल्कुल टेस्ट कर सकते हैं अपना फ़ोन, 10-15 दिन का आपको टाइम देखने को मिल जाएगा। अगर आप कोई दिक्कत आती है तो आप भैया को बता सकते हैं वो, और आपको भैया फिर उसका सॉल्यूशन आपको दे देंगे। और ये था अपना रेडमी की तरफ से एक और फ़ोन था, और भैया ओप्पो में कोई सा फ़ोन? ओप्पो में मैं आपको दिखा सकता हूँ, एक ये है मेरे पास A54। ओके, इसकी कंडीशन इतनी अच्छी है जैसे कि लग रहा है कि नया ही लेके आया हूँ। हाँ, ये इस कंडीशन आप देखो बिल्कुल फ्रेश रखा हुआ है फ़ोन, एक भी हेयरलाइन स्क्रैच भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो A54 है ये, है ना? हाँ, इसकी डिस्प्ले भी ओरिजिनल है और इसकी ये कैमरा क्वालिटी है। तो भाई आप देख सकते हैं सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग है और बिल्कुल काफ़ी सही कंडीशन में, मतलब एक भी आपको स्क्रैच नहीं मिलेगा। और इसका प्राइस क्या होने वाला है? ये 7000 रुपये का। ये भी 7000 रुपीज़। ज़्यादातर फोन 7000-8000-9000 इतने में आपको अच्छा फ़ोन मिल सकता है, मतलब जो लोग अगर नए कम बजट में नया लाइक न्यू फ़ोन लेना चाहते हैं तो वो आपको मतलब सही फ़ोन यहाँ पे देख। 7000 रुपये में मतलब अगर किसी फ़ोन की कीमत 14000 मार्केट में है तो वो मैं आपको आधी कीमत में पुराना दे दूँगा, अच्छी कंडीशन में फ़ोन बिना खुला हुआ। तो भाई सेम फ़ोन अगर आपको नया लेना है और उसी अगर आपका बजट बिल्कुल हाफ है ना, तो आपको वही फ़ोन यहाँ पे बहुत ही कम कीमत में देखने को मिल जाएगा फ्रेश कंडीशन में बिल्कुल। और इसके साथ और कोई फ़ोन जो आप कस्टमर सजेस्ट करना चाहते हैं? एक फ़ोन ये है नार्जो का है, 50 है।
ये फोन मैं आपको 7,500 रुपए में दे रहा हूँ, फ्रेश फोन है, बिल डब्बे, चार्जर बॉक्स के साथ। नार्जो 50 है ना? हाँ, नार्जो 50 है, इसकी कंडीशन देख सकते हैं। तो भाई ये भी आप देखो, बिल्कुल न्यू रखा हुआ है। फोन की पूरी गारंटी रहेगी कि फोन कहीं खुला नहीं है, कहीं रिपेयर नहीं हुआ उसमें। अगर ऐसी कोई शिकायत आती है तो मैं आपको एक फोन और फ्री में दूंगा। तो भाई भैया बिल्कुल आपको मेक श्योर करेंगे कि आपको जो प्रोडक्ट दे रहे हैं बिल्कुल ओरिजिनल रहेगा, जो भी कह के देंगे बिल्कुल आपको सही प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये था नार्जो का 50 है, और ये भी आपको काफ़ी कम प्राइस में देखने को मिल रहा है भैया के पास। और कुछ फ़ोन ऐसे भी होते हैं रिपेयर करे हुए, जो मैंने आपको अभी बताया ही था स्टार्टिंग में, उनकी कीमत कम रहती है। जैसे कि ये इस पर स्क्रैच आ रहा है, ये इसका डब्बा, चार्जर सब है, लेकिन ये रिपेयर करा हुआ फ़ोन है। तो आप इसकी देखो, ये रिपेयर करा हुआ फोन, लेकिन आप इसे जज भी नहीं कर पाएंगे कि ये रिपेयर करा हुआ है। ये मैं मेरी अपनी ईमानदारी से बता रहा हूँ कि ये रिपेयर करा हुआ फोन है। तो गाइस जो भी है आपके सामने रहेगा, जैसा कि भैया ने बताया कि इसकी सारी चीज़ें आपको ओरिजिनल देखने को मिल जाएंगी, लेकिन ये रिपेयर्ड रहेगा, और जो कंडीशन है वो भैया ने आपको बताई दी कि ऐसी आपको देखने को मिलने वाली है। तो ये इसका प्राइस क्या होने वाला है? 4500 रुपये मात्र, 4500। तो गाइस ये है 4500 रुपीज़ में नार्जो का फ़ोन है, रियलमी का जो ब्रांड है, कौन सा है? नार्जो 10। तो ये नार्जो का 10 है, आप देख सकते हैं। सॉरी, नार्जो 20 है, नार्जो 20 है, आप देखते हैं ये बॉक्स पे लिखा हुआ है। तो ये नार्जो 20 है, जो भी था प्राइस आपको मैंने बता दिया है। तो गाइस मैं आपको कुछ 5G में जो भैया के पास अवेलेबल है, 5G में वो वाला फ़ोन दिखा देता हूँ मैं आपको। तो भैया 5G में बता दीजिए कोई ऑप्शन। 5G में मेरे पास आज काफ़ी सारे तो फ़ोन बिक गए, एक ही पीस बचा है शायद मेरे पास, ये वीवो का। ओके, वीवो का ये कौन सा फ़ोन है? ये वीवो का T1 है, 5G है, 6128 है ये। ओके, तो गाइस T1 आपको पता होगा, T1 5G काफ़ी अच्छा फ़ोन है, काफ़ी अच्छा सेल होता है मार्केट में। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन देखने को मिल जाता है, और कंडीशन भी आपको सही देखने को मिल जाती है, जैसा कि भैया ने आपको दिखा दिया है। और भैया इसका प्राइस क्या होने वाला है? 8500 रुपये, 8500 है ना? 5G फुल गारंटी के साथ फ़ोन है, बिल डब्बा चार्जर बॉक्स सब मिलेगा इसके साथ। तो भाई 8500 रुपीज़ में आपको वीवो का T1 5G देखने को मिल जाएगा। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है, आप इस तरफ जा सकते हैं अगर 5G फ़ोन चाहिए, काफ़ी कम बजट में, काफ़ी अच्छा आपको ब्रांड देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छी कंडीशन में आपको देखने को मिल जाएगा। तो भाई जैसा कि मैंने आपको बताया, सारे ब्रांड के आपको फ़ोन देखने को मिल जाएंगे, इन्फिनिक्स का भी रखा हुआ है, और रेडमी का भी है, सैमसंग का भी है। तो मैं आपको एक सैमसंग का फ़ोन भी दिखा देता हूँ, जो कि भैया के पास काफ़ी अच्छा मॉडल है। तो भैया सैमसंग का कोई फ़ोन बता दो एक बार। सैमसंग में मैं दिखा देता हूँ आपको, सैमसंग में ये है मेरे पास गैलेक्सी A51 है। हाँ, इसकी रैम है 6GB और स्टोरेज है 128। ओरिजिनल फ़ोन है ये भी, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है इसमें, इसके साथ भी बिल डब्बा चार्जर बॉक्स सब मिलेगा आपको, 8500 रुपये इसकी कीमत है। ओके, तो गाइस हाँ एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, अगर आप एक फ़ोन लेते हैं मुझसे कोई भी, हाँ, किसी भी रेंज में, हाँ, तो उसके साथ मैं आपको एक स्मार्ट वॉच दूंगा। तो गाइस ये वाला आप देख सकते हैं, ये वाली आपको स्मार्ट वॉच सारे फ़ोन के साथ, सारे फ़ोन के साथ, कोई भी किसी भी बजट का फ़ोन, हाँ किसी भी बजट का फ़ोन हो, अगर आप मुझसे 1000 रुपये वाला फ़ोन भी ले रहे हैं तो भी मैं आपको स्मार्ट वॉच दूंगा। तो गाइस आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी डील मिल रही है आपको, एक तो यूज्ड फ़ोन है, मतलब काफ़ी कम प्राइस इनका पहले से ही रहता है, उसके साथ आपको फिर एक स्मार्ट वॉच भी देखने को मिल रही है, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा काम आने वाली है। तो ये भी आपको देखने को मिल जाएगी भैया की तरफ से। और कुछ फ़ोन सैमसंग के ओल्ड मॉडल में भी है मेरे पास ओरिजिनल फोल्डर में, मात्र 3500 रुपये का फ़ोन है ये, 2500 रुपये इसके फोल्डर की कॉस्ट आती है ओरिजिनल फोल्डर में। सैमसंग का कौन सा फ़ोन है ये? सैमसंग J7 Max। J7 Max है, फ्रेश कंडीशन में, बिल डब्बा चार्जर बॉक्स। तो गाइस देख सकते हैं आप, आपको जैसे कि सैमसंग का आपको पता होगा कि इसमें एमोलेड डिस्प्ले वगैरह रहते हैं, तो जो इसका फोल्डर वगैरह आता है थोड़ा महंगा आता है, उसी प्राइस में आपको फ़ोन देखने को मिल रहा है पूरा का पूरा सैमसंग का, तो काफ़ी अच्छा है। और एक और जो मैंने लास्ट फोन बताया था, वो भी सैमसंग का A51 था, उसमें भी आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, वो भी काफ़ी अच्छा फ़ोन था। ये इन्फिनिक्स का है, नोट 10 प्रो, इसकी क्वालिटी देखिए आप। तो भाई ये भी आप देखते हैं, ये इन्फिनिक्स की तरफ से, लोग इसे सबसे घटिया कंपनी समझते हैं, और मैं इसे सबसे अच्छी समझता हूँ, क्योंकि ये कम से कम कीमत में अच्छा फ़ोन दे देती है। हाँ, इसका प्राइस है केवल 8000 रुपये, नोट 10। हाँ, इसका स्टोरेज है 12 128, 12GB रैम है ना? हाँ, 12GB रैम है, 128 स्टोरेज है, गेमिंग फ़ोन है, बहुत अच्छा फ़ोन है। तो गाइस देख सकते हैं आप, इन्फिनिक्स की तरफ से भी आपको एक फ़ोन देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छे, जैसे भैया ने आपको बता दिया कैमरा क्वालिटी भी इसमें आपको सही देखने को मिल जाती है, तो काफ़ी कम प्राइस में आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स प्रोवाइड करता है इन्फिनिक्स। तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं अगर आपको कम बजट में इन्फिनिक्स का फ़ोन चाहिए, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। और भैया ने आपको प्राइस तो बता ही दिया है फिर इसका। तो ये कुछ फ़ोन थे आप देख सकते हैं, और बाकी काफ़ी सारे फ़ोन हैं भैया के पास,
वो मैं एक एक करके अगर बताऊंगा तो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी वीडियो। तो आप कोई भी फ़ोन किसी भी बजट में, आप अपना बजट कोई भी बजट लेके आइए यहाँ पे, और आपको कोई भी फ़ोन परचेस करना हो आप यहाँ से परचेस कर सकते हैं और काफ़ी अच्छी आपको वैल्यू मिल जाएगी। सो गाइस, काफ़ी लोग होते हैं जिनके पास पुराना फ़ोन तो रहता है लेकिन उनके पास जब रिपेयर करने की बात आती है, जब उनको कोई दिक्कत हो जाती है फ़ोन में, जो फोल्डर वगैरह होता है वो चेंज करवाने की बात आती है, तो काफ़ी उनको भटकना पड़ता है। काफ़ी प्राइस में भी ऊपर नीचे आपको मार्केट में सारी चीज़ें मतलब फ्लक्चुएट ही देखने को मिलेंगी, कहीं पे ज़्यादा में लगेगा, कहीं पे कम में, लेकिन और कहीं पे भी आपको ओरिजिनल पता नहीं आपको मिलेगा कि नहीं। लेकिन मैं आपको भैया के पास बताने वाला हूँ कि अगर आपको कोई फ़ोन फोल्डर चेंज करवाना हो तो आपको काफ़ी कम प्राइस में काफ़ी अच्छी क्वालिटी के साथ भैया बिल्कुल रिपेयर करके देंगे। मैं एक कोई भी फ़ोन इनमें से बता देता हूँ भैया को, अगर आप भी आएंगे तो आपको भी बिल्कुल वो देखने को मिल जाएगा। जैसे कि नोट 8 प्रो है यहाँ पे, काफ़ी मतलब ज़्यादा दिन हो गए इसको, और अगर आप मार्केट में जाते हैं इसका फोल्डर लेने के लिए तो देख लेते हैं भैया के पास कितने में मिलेगा और क्या उसकी कॉस्टिंग रहेगी, क्या वारंटी वगैरह क्या रहेगी, वो सारी चीज़ें आपको भैया बता देंगे। तो भैया बता दीजिए नोट 8 प्रो का देखो। हाँ, नोट 8 प्रो का बता दीजिए। तो गाइज, अगर आप नोट 8 प्रो लेके आएंगे, अगर फोल्डर चेंज करवाना है तो क्या चीज़ें रहेंगी, क्या क्या कॉस्टिंग रहेगी, वो सारा। नोट 8 प्रो का फोल्डर है, अगर आप ये मुझसे डलवाते हैं तो 6 महीने तो मैं इसकी गारंटी दूंगा आपको टच की। यदि टच चलने में कोई दिक्कत आए, अपने आप चले, 7 दबा रहे हैं 8 दबा रहे हैं 9 दबा रहे हैं, इस प्रकार की कोई भी कंडीशन आती है तो आप मेरे पास 10 मिनट में, मात्र 10 मिनट लगेंगे आपको डबल से चेंज करके दूंगा। शर्त ये है कि ये टूटा नहीं होना चाहिए, इसमें पानी नहीं लगा होना चाहिए, टेक्निकल प्रॉब्लम होनी चाहिए। हाँ, कुछ भी हो उसमें, अगर वो ऑटोमेटिक दिक्कत आ रही है 6 महीने के अंदर डैमेज ना हो तो मेरी जवाबदारी है, मैं आपको वापस करके दूंगा चेंज। और अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे पास रिपेयर करवाने आते हैं तो मात्र आपको 10 से 15 मिनट का वेट करना है, उस 10 से 15 मिनट के अंदर मैं आपको आपका फ़ोन रिपेयर करके दे दूँगा। और इसकी कॉस्टिंग क्या रहेगी? इसकी कॉस्टिंग रहेगी लगभग 800 रुपये, मात्र 800 रुपये, ओनली 800 रुपये। और क्वालिटी बिल्कुल बेस्ट रहेगी, बेस्ट बिल्कुल फोन दे रहा है भाई 800 रुपये में, सही, 6 महीने की गारंटी। 1000 से तो मार्केट में शुरुआत ही होती है। तो गाइस देख सकते हैं आप, एक तो ऊपर से ये नोट 8 प्रो है और काफ़ी पुराना फ़ोन है, और इसमें डिस्प्ले जो है आपको पता ही होगा काफ़ी अच्छी क्वालिटी की लगी होती है, और भी आपको वही ओरिजिनल डिस्प्ले मतलब ओरिजिनल जो इसका फोल्डर रहता है उसी क्वालिटी की, वही क्वालिटी आपको देंगे बिल्कुल काफ़ी कम प्राइस में, आप काफ़ी रीजनेबल प्राइस में 800 जैसा कि भैया ने आपको बताया, और इस पे ऊपर से आपको वारंटी देखने को मिल जाएगी 6 मंथ्स की, और काफ़ी कम प्राइस मतलब काफ़ी कम टाइम में भी लगा देंगे, है ना। हाँ, और कस्टमर को 10 से 15 मिनट वेट करना है बस, कस्टमर को सिर्फ 10 से 15 मिनट वेट करना पड़ेगा। कोई भी मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं बस 8 प्रो का, आप कोई भी फ़ोन लेके आएंगे ना, कोई भी फ़ोन आपको 10-15 मिनट ही लगेंगे, और काफ़ी कम प्राइस में, जैसे कि मैंने इसका एग्जांपल दिया है उसमें आपको काफ़ी कम प्राइस ही देखने को मिलेगा सारे फोल्डर्स पे, और काफ़ी नोट 7 का फोल्डर है, नोट 7 का फोल्डर है, इसकी कीमत है 700 रुपये, ओनली 700 रुपये, 100 रुपये फिटिंग आपको अलग देना पड़ेगी, 800 रुपये में नोट 7 प्रो आपका कंप्लीट हो जाएगा। Okay. और उसका डिस्प्ले ब्रोकन है तो 100 रुपये वो सर्विस चार्ज लगेगा। हाँ, सर्विस चार्ज लगेगा। जैसे कि एक फ़ोन अभी रिपेयर हो रहा है, ये भैया का ही फ़ोन है ये बैठे हुए, इनसे 400 रुपये लिए हमने, ग्लास इसका ऊपर का चेंज हो रहा है। तो गाइस आप देख रहे हैं आपके सामने चेंज हो रहा है भैया का, तो मतलब काफ़ी कम प्राइस में आप कोई भी फ़ोन लेके आइए, सारे फ़ोन के यहाँ पे फोल्डर अवेलेबल हैं काफ़ी कम प्राइस पे, वारंटी के साथ, और काफ़ी कम टाइम में आपको रिप्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी, तो आपको वेट भी नहीं करना पड़ेगा, आपको फ़ोन छोड़ना ही नहीं पड़ेगा शॉप पे, तो ये काफ़ी अच्छी सर्विस है। काम होता है। हाँ, तो भाई काफ़ी आपका टाइम भी बचने वाला है, पैसा भी बचने वाला है, और क्या चाहिए। तो ये सारे फ़ोन थे, आप देखो एक बार कंडीशन भी मैंने आपको बता दिए, सारे फ़ोन तो मैं नहीं दिखा सकता आपको, अपने बजट के हिसाब से चूज़ कर लेना कोई भी फ़ोन, तो आप बिल्कुल आ सकते हैं भाई। एक बार और शॉप का एड्रेस बता दीजिए। बेरसिया विदिशा रोड मानस भवन से 4 दुकान आगे। तो गाइस आप बेरसिया में आएंगे तो मानस भवन जो आपने देखा होगा बिल्कुल मेन रोड पर है, बेदिशा रोड पर, तो वहाँ पे आपको शॉप देखने को मिल जाएगी। तो शॉप का नाम आप देख सकते हैं, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, आपको सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो जाएंगी, और फ़ोन मैंने आपको बताई दिए जो मेन मेन थे, और बाकी आप आ सकते हैं, और काफ़ी अच्छी आपको सर्विस यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, काफ़ी सही होगी वो भी, तो थैंक यू सो मच अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है, तो थैंक यू सो मच।